झांसी में आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में कचहरी चौराहे पर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने कहा है कि बाबा साहब ने संविधान की रचना कर ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्हीं के संविधान की बदौलत आज देश में लोकतंत्र जिंदा है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन पिछड़ों को आगे लाने में त्याग कर दिया। उनको यहाँ आके माल्यार्पण किया है और एक हम गोष्ठी के रूप में अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय में सारे कार्यकर्ता एकत्र होकर उनका जो परिणाम दिवस है उसको एक गोष्ठी के रूप में मनाएंगे और उनके बताए हुए जो रास्ते हैं और जो उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक संविधान दिया उसकी आज हम लोग जो है जिनके उनके बताए हुए संविधान के रास्ते पर जो भारत देश आज चल रहा है उस पर हम चलने का अमल करेंगे और बाबा साहब के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। संविधान बनाया है उस संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि आज ऐसी हुकूमतें हुक्मरान हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, जहां गरीबों के दलितों के अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनके साथ न्याय करने के लिए आज संविधान को तोड़ मड़ोड़ के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, जिससे संविधान लोगों की हिफाजत करना मुश्किल हो गया है, बेटियों को सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है, रेप हो रहे हैं, उसके बाद उन्हें जलाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानने को तैयार हो गया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा, संविधान के हिसाब से प्रदेश नहीं चल रहा, इसलिए हमें आज बाबा साहब के संविधान को बचाना हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है, कि जो संविधान बाबा साहब ने दिया था जिससे हम लोग जिंदगी अच्छी जी सकते थे, देश में कानून व्यवस्था लागू होती, उसकी धज्जियां ये सरकार उड़ा रही है। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।